हिमालयं समारभ्य यावदिन्दु सरोवरं तं देवं निर्मितं देशं हिन्दुस्तानं प्रचक्षते ऐक्य बलान्विताः राष्ट्रकर्म परायणाः वार्तावली दर्शकाः एतस्मिन् नूतने अंके तत्र भवतां सर्वेषामपि अभिवादन पुरस्सरं स्वागतं करोमि अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः गणतंत्र भारतस्य वासिभ्यः देशभक्तेभ्यः भारत भूमि प्रियेभ्यः च दर्शकेभ्यः अहम् लता वसिष्ठः अपि स्वागत पुरस्सरं नमनांजलिं समर्पयामि दर्शकाः एतस्मिन्नेव जनवरी मासे भारत भूमि बृहत्तमं उत्सवद्वयं सोत्साहं समामानितम् तत्र प्रथमं तु समाजस्य आदर्शभूतस्य भगवतः श्रीरामस्य ऐतिहासिकः अविस्मरणीयः च प्राणप्रतिष्ठापनपरः कार्यक्रमः सगर्वं देशेन नयनगोचरीकृतः तथैव 75वां गणतन्त्रदिवसः अपि देशेन सद्य एव सोत्साहम् आमानितः उत्सवद्वयेनापि अस्माभिः आदर्श त्याग समर्पण सन्निभानि अनेकानि मूल्यानि सन्धारितानि एतादृशानेव विविधज्ञानविषयान् अनुभवविषयानपि वयं सुभाषितमाध्यमेन अपि सन्धारयामः आयान्तु तर्हि अवलोकयामः अद्यतनाङ्कीयं सुभाषितम् उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः अपकारिषु यः साधुः स साधुरिति कीर्तितः स साधुरिति कीर्तितः जो अपना उपकार करने वाले लोगों के प्रति ही साधुता पूर्ण व्यवहार करता है उसकी उस साधुता अर्थात अच्छे व्यवहार की भला क्या विशेषता है जो अपनी बुराई करने वालों के प्रति भी साधु भाव रखता है वास्तव में वही साधु अर्थात सज्जन कहा गया है If one is good to those who do good to him, of what merit is one's goodness? It is only he who is good to even those who do harm to him who is called a gentleman. सुभाषितानि तु अस्मान् शिक्षयन्ति एव सहैव महोत्सव विशेषः अपि किमपि नूतनं विशिष्टं च कर्तुम् अस्मान् सततं संप्रेरयन्ति न केवलं महोत्सव विशेषः अथ सुभाषितानि एव अस्मान् प्रेरयन्ति प्रत्युत जगति घटिताः सकारात्मिकाः वार्ताः अपि नः प्रवर्धयन्ति तथैव नूतनं समाचरितुं काः च सन्ति इमाः प्रवाहि वार्ताः अवलोकयन्तु इह प्रवाहि वार्ता स्वरेण देशेन आचरितः 75वां गणतन्त्रदिवसः राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मुवर्यया कर्तव्यपथे स्वीकृतानि पथसञ्चलनावसरे अभिनन्दनानि फ्रांस राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रों अवर्तत मुख्यातिथिः नारीशक्तिसंभृतः आसीत् ऐषमः समारोहः समाप्ता 500 वर्षाणां प्रतीक्षा अयोध्याधाम्नि विराजितः प्रभु श्रीरामस्य बालविग्रहः मंगलध्वनिना आरब्धः आसीत् प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमः प्रधानमंत्री मोदी संघप्रमुखः मोहन भागवतः अन्ये च गणमान्याः आसन् सम्मिलिताः राममयं जातमासीत् वातावरणं भारतेन सह विश्वस्य विविधेषु देशेषु आमानितः श्रीरामप्राणप्रतिष्ठायाः उत्सवः द्वात्रिंशदधिकैकशतं गणमान्येभ्यः ऐषमः पद्मपुरस्काराणां घोषणा एतेषु 5 पद्मविभूषणपुरस्काराः 17 पद्मभूषणपुरस्काराः 10अधिकैकशतं पद्मश्रीपुरस्काराः सन्ति सम्मिलिताः नेताजी सुभाषचन्द्रबोसवर्यस्य जयन्त्यवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी दिल्ल्याः रक्तदुर्गे नवदिवसीयं पराक्रमदिवसम् उद्घाटितवान् तत्रैव पर्यटनमन्त्रालयद्वारा आयोजितस्य भारतपर्वणः आङ्किकीयस्वरूपम् अपि उद्घाटयत् प्रधानमन्त्री बिहार राज्यस्य पूर्व मुख्यमन्त्रिणे कर्पूरी ठाकुराय मरणोपरान्तं भारत रत्न सम्माननम् उद्घोषितम् विविध नेतारः एतस्य निर्णयस्य कृतवन्तः स्वागतम् ज्ञानवापी प्रकरणे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वृत्तानुसारं हिन्दूपक्षस्य अधिवक्ता विष्णुशंकर जैनः उक्तवान् तत्र देवीनां देवानां च मूर्तयः प्राप्ताः विद्यमान निर्माणात् पूर्वं तत्र आसीत् बृहत् हिन्दू मन्दिरम् भारत फ्रांस देशाभ्यां वैश्विकातंकवादं विरुध्य कार्याचरणाय पुनरपि संकल्पितम् इजराइल देशे आतंक्याक्रमणस्य निन्दा पुरस्सरं गाजा क्षेत्राय मानवीय सहायतायै संघर्षविरामाय बंधकानां तत्क्षणं विमुक्तये च कृतं आह्वानम् भारत इंग्लैंड दलयोः मिथः पञ्चस्पर्धात्मिका निकषस्पर्धा हैदराबाद इत्यत्र प्रवर्तमाना क्रीडायां दृढतया विद्यमानं भारतीयं दलं अधिकाधिकान् धावनांकान् समर्ज्य भद्रप्रदर्शनाय यतमानम्
प्रवाही वार्ताभिः ज्ञातमेव यत् कथं वैभवेन आचरितं गतः ऐषमः गणतंत्र दिवस महोत्सवः यम ही अवलोक्य भारत भूमि भक्ताः पुनरपि देशभक्ति भाव भरिताः संजाताः। आयान्तु पश्यामः सद्यः एव समाचरितं भव्यं गणतंत्र दिवस महोत्सवाधारितं वृत्त विशेषम् एतम्। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारतभूमिभागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। जनवरी मासस्य षड्विंशः दिनाङ्कः सदिवसः यदा वयं विशेषं राष्ट्रियम् उत्सवम् आचरामः यं वयं गणतन्त्रदिवसत्वेन अपि वदामः। एतस्मिन् दिने वयं स्वराष्ट्रगौरवमहिमानं सगर्वं सश्रद्धं च गायामः। एतस्मिन् हि राष्ट्रियोत्सवसमये प्रत्येकभारतीयस्य चित्तम् आनन्दसुखोत्साहभावनाभिः भवति परिपूर्णम्। अथ स्वतन्त्रे भारते जाता गणराज्यस्य स्थापना इत्येव एतस्य दिवसविशेषस्य अस्ति माहात्म्यम्। शनैः शनैः वयं भारतस्य सैन्यशक्तेः सांस्कृतिकरिक्थस्य अथ च भारतस्य भव्यतायाः साक्षिणः भवितुं जाताः तत्पराः। तावत् एतस्मिन् 75तमस्य गणतन्त्रदिवससमारोहस्य विषयवस्तु आसीत् विकसितभारतम् अथ भारतं लोकतन्त्रस्य जननी इति। नारीशक्तेः अस्य समारोहस्य केन्द्रीभूतविषयः अपि सिद्धः। कार्यक्रमे फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिः इमैन्युअल मैक्रों इत्यसौ मुख्यातिथिरूपेण आमन्त्रितः आसीत्। षोडशराज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां प्रदर्शिन्यः भारतस्य दिव्यतां द्योतितवत्यः। एतस्मिन् भव्ये कार्यक्रमे 13,000 जनाः विशेषातिथिरूपेण आमन्त्रिताः अभवन्। यत्रत्ये आकर्षककार्यक्रमे समृद्धसांस्कृतिकरिक्थस्य उन्नतसामरिकशक्तेः अविस्मरणीयं प्रदर्शनमपि दृष्टिं गतम् अभवत्। एतत् च पूर्णतां प्रापितवत् वायुसेनायाः भव्यं प्रदर्शनम्। अवश्यं गणतन्त्रदिवसः ऐषमः भारतम् इतोऽपि कुर्यात् उन्नतं, भारतस्य प्रत्येकप्रयासः च विश्वकल्याणमार्गं कुर्यात् प्रशस्तम् इत्येव वयं सविश्वासम् आशास्महे। वार्तावली वृत्तम् डीडी न्यूज। भव्यं भारतं भव्य भावभृता च स्मः वयं भारतवासिनः। नीतीश वृत्तान्तं दृष्ट्वा श्री रमाकांत शुक्लवर्येण लिखितां कवितां स्मरामि। भारतं वर्तते मे प्रियं संबलं, भारतं नित्यमेव स्मरामि प्रियं। भारते नास्ति मे जीवनं जीवनं, भारतायार्पितं मेखिलं चेष्टितं। साधु, उत्तमं स्मृतवती। दर्शकाः, अधुना कार्यक्रमे अग्रेसरामः। वृत्तसरण्याः द्वितीये प्रभागे इह प्रस्तुमः श्रीरामजन्मभूमौ अनुष्ठितं श्रीरामविग्रहस्य प्राणप्रतिष्ठापनपरं गौरवख्यापकं समारोहवृत्तमेतत्। आपदामपहर्तारं
दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शताब्दीनां संघर्षः समाप्तः। मंगलध्वनिभिः वेदमंत्रोच्चारैः श्रीरामनामनादैः च गुञ्जिता अयोध्या। रामे एव रंजितः देशः, इतिहासश्च विरचितं गतः। यदा भक्ति कर्म सेवा समर्पण संभृतः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः जनवरी मासस्य द्वाविंशे दिनांके सोमवासरे करयोः श्रीरामछत्रं संधार्य नवनिर्मितं अयोध्या धाम मंदिरं प्रविष्टः। प्राण प्रतिष्ठा धृतव्रतः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यदा भगवतः बालस्वरूपस्य रामलला इत्येतस्य नवीन विग्रहस्य गर्भगृहे प्राण प्रतिष्ठानुष्ठानं विहितवान् तदा अयोध्या नगरवासिनः साक्षात् उपस्थिताः गणमान्याः अथ अधिविश्वमपि प्रतीक्षारताः रामभक्ताः तदीयां प्रतिमां अवलोक्य मंत्रमुग्धाः अथ नूनमेव मोदमानसाः दृष्टिंगताः। आज दिन दिशाएं दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। सर्वैः अपि भक्तैः क्षणमिदं स्नेहेन समामानितम्। विभिन्न प्रदेशेभ्यः समागताः कलाकाराः राम नाम संगीते मग्नाः अवलोकितं गताः। सरयू तटे सज्जिता दीपमाला रामेण रंजितायाः राष्ट्रचेतनायाः विस्तार पुरस्सरं विकसित राष्ट्रं प्रकाशयतीति निश्चयेन प्रतिभासितम् इव अवलोकिता। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज। वृत्तविशेषेण तु स्पष्टमेतत् यत् मनुना स्थापिता प्राचीना अयोध्या नगरी पुनरपि आसीत् वेदमन्त्रध्वनिभिः श्रीरामजय घोषैः च गुञ्जायमाना। न केवलम् आसीदेव परं साम्प्रतमपि तत्र श्रीरामजय घोषैः अस्ति गुञ्जायमाना अयोध्यानगरी। लक्षशः रामभक्ताः श्रद्धालवः प्रतिदिनं भारतस्य सुदूरकोणतः विदेशेभ्यः अपि च तत्र भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपम् अर्चयितुम् आगच्छन्तः सन्ति। आयान्तु दर्शकाः श्रीरामजन्मभूमौ अयोध्यानगर्याम् एव दृश्याङ्कितं श्रीरामविषयकं संस्कृतविषयकं च विशेषसंवादम् इह प्रस्तुमः त्रिज्या प्रभागे। नमः वार्तावली दर्शकेभ्यः। अद्य अस्माभिः सह संवादाय उपस्थितः अस्ति श्री हनुमन निवास सिद्धपीठस्य स्वामिनः मिथिलेश नंदिनी शरणवर्यः। महोदय सर्वप्रथमं स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः। बहुत स्वागत है श्री अयोध्याधाम में। सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुम् इच्छामः यतः वर्षाणाम् अनन्तरम् एषः अवसरः आगतः यदा भगवतः श्रीरामस्य अत्र पुनः प्रतिष्ठा जायमाना अस्ति। कीदृशाः भावाः मनसि जायमानाः सन्ति? कथं मनः उत्फुल्लितम् अस्ति? कृपया वदतु। मुझे लगता है कि मैं महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करते हुए इस प्रसंग का स्मरण करूं और इस बात पर ध्यान ले जाऊं आपका कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पाठ की फलश्रुति करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ी जाती रहेगी तो अयोध्या बसी रहेगी, बसेगी। और उन्होंने कहा अयोध्यापि पुरी रम्या शून्या वर्षगणान बहून ऋषभम प्राप्य राजानम निवासम उपयास्यति। यदि श्रीमद् रामायण का पाठ होता रहेगा, यदि श्री रामचरित का स्मरण होता रहेगा तो कालक्रम से बहुत वर्षों तक सोनी पड़ी रही उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बसेगी। आज ये अयोध्या अपने को फिर से बसा रही है और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिज्ञा को चरितार्थ कर रही है।
कि ये अयोध्या है और काल के द्वारा भी इसका पराभव नहीं होगा। और अयोध्या के इस बसने में केवल अयोध्या नहीं बस रही है, केवल श्री राम मंदिर नहीं बन रहा है, मानव के मन में सनातन को लेकर जो आस्था थी वो मानो उजड़ गई थी और फिर से बस रही है। मैं इस तरह भी देखता हूँ इसे कि भारतीय विचार परंपरा में और भारत देश में जिसको इस देश का आदर्श और ध्येय वाक्य माना गया है, सत्यमेव जयते, इस प्रतिष्ठा के साथ उस वाक्य का अर्थ हमारे ऊपर प्रकट हो रहा है, हमारे सम्मुख प्रकट हो रहा है कि इतने दिनों के संघर्ष के बाद भी सत्य विजयी हुआ है और उसकी आभा से पूरी मानव जाति प्रसन्न दिखाई पड़ती है। सत्य अत्र भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठा जायमाना अस्ति। भवान् जानाति एव यत् भारतीय ज्ञान परंपरायां या कापि प्राणप्रतिष्ठा भवतु तत्र संस्कृतम् अन्वितं भवति एव। तो अस्य मंत्रस्वरूपस्य संस्कृतस्य किं महात्म्यम् अस्ति, कृपया सूचयतु। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। भाषा के रूप में संस्कृत का अन्वय जो वहाँ है, उपयोग जो वहाँ है, उसके पहले हमें ये देखना चाहिए कि संस्कृत शब्द का जो तात्पर्य है संस्कार से युक्त होने का। जब प्रतिष्ठा होती है तो जो भवन बना है उस भवन का संस्कार किया जाता है, वह भवन सुसंस्कृत होता है, और जो विग्रह विराजमान हो रहा है उस विग्रह का संस्कार किया जाता है, वह विग्रह भी सुसंस्कृत होता है। संस्कार इति पदस्य कृपया इतोपि विवरणम् अस्माकं दर्शकेभ्यः करोतु। बहुत बहुत अच्छा पक्ष है ये। वस्तु में अंतर्निहित जो गुणवत्ता है उसको उद्भासित करने की जो क्रिया है वो संस्कार है। जैसे हम बर्तनों को धो करके, रगड़ करके, पोंछ करके चमका देते हैं तो जो उनमें तत्व है वो प्रकट हो जाता है। जैसे अन्न और फल आदि को हम उनके छिलके और गुठली से अलग करके उनको सुंदर रसमय भोज्य बना देते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों में शिक्षा के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उनको संस्कारित कर देने से उनमें जो निहित गुण हैं वे प्रकाशित हो जाते हैं। उसी प्रकार श्री राम जन्मभूमि की जब प्रतिष्ठा हो रही है तो पत्थरों का संस्कार हुआ है, उनमें देव प्रतिमाएं प्रकट हो गई हैं, भूमियों का संस्कार हुआ है और उनको समतल और शुभ्र दिव्य कर दिया गया है, और ऐसे संस्कार क्रम में जो अर्चना करने बैठे हैं उन यजमानों का संस्कार होना है, उपवास के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, सम्मार्जन संप्रोक्षण के द्वारा। मंत्र जो संस्कृत को और संस्कार परंपरा को व्यक्त करते हैं, उन मंत्रों के द्वारा ही भगवान का प्राणाधान होना है, क्योंकि बिना मंत्र के वो होने वाला नहीं। बिना वैदिक मंत्रों के भगवान की आराधना संभव ही नहीं है। वे पुरुषोक्त के मंत्र हों, वे शुक्ल यजुर्वेद के अन्य मंत्र हों, वो दूसरी संहिताओं के मंत्र हों, उन सबका उसमें विनियोग होना है। इतना ही नहीं, भगवान का आराधन होने के लिए भगवान श्री राम का जो श्री राम तारक मंत्र है मूल मंत्र के रूप में उसका उपयोग किया जाना है। आचार्यों के द्वारा जो विधि संपादित की जानी है उस विधि में भी मंत्रों का उपयोग होना है। मंत्र एक और भगवत्ता को मनन के द्वारा पाया है जो आचार्यों ने उसको व्यक्त करते हैं और अपने मंत्र पद को चरितार्थ करते हैं, तो दूसरी ओर उस भगवत्ता का जो निर्वचन किया है आचार्यों ने भक्तों के लिए और उसका अनुभव करने वालों के लिए उसको भी चरितार्थ करते हैं। संस्कृत भाषा और उसकी संस्कृति, भारत तो इन्हीं में जीवित है। श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा में हमारी संस्कृति व्यक्त हो रही है, उसके शिल्प में, उसके निर्माण में, उसकी स्थापना में, और हमारी संस्कृत व्यक्त हो रही है भगवत आराधन में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों और उसकी पद्धतियों में, तो दोनों ही चीज़ें प्रकट हो रही हैं। और इस तरह वो ये व्यक्त कर रही हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं वे संस्कृत और संस्कृति दो, और वो भाषा कितनी विचार की है। मैं समझता हूँ कि इस बात में भी हमें जाना चाहिए, प्रथम बार जब श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के सम्मुख आए हैं और उन्होंने अपना परिचय दिया है, तो भगवान श्री राम सबसे अधिक मुग्ध इसी बात पर हुए हैं कि बहु व्याहरता ने न किंचित उपशब्दितम्। ये जो हमारे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है इसने खूब बोलते हुए भी कुछ भी अशुद्ध नहीं बोला है, अनुचित नहीं बोला है, और ऐसा कैसे होता है? तो कहा ना, ऋग्वेद विनीतस्य नायजुर्वेद धारिणः, जब तक यजुर्वेद का, ऋग्वेद का, सामवेद का ज्ञान किसी को नहीं होगा तब तक कोई ऐसा नहीं बोल सकता। राम इति कथन मात्रेण वस्तुतः मनसि अत्यन्तम् आनन्दस्य अनुभूतिः भवति। वस्तुतः किमस्ति एतस्मिन् नाम्नि वैशिष्ट्यं? राम इति कथनमेव पर्याप्तं भवति। यतः राम इस शब्द की चर्चा करते हुए, इसके तात्पर्य का प्रतिपादन करते हुए, मैं समझता हूँ मेरे पूर्वाचार्यों ने और मनीषियों ने अपना पूरा जीवन बिताया है और पीढ़ियाँ बीत गई हैं, और अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि इसका इतना ही अर्थ है। पर उन सब ने कहा है और मैं उसी का आश्रय लेता हूँ। गोस्वामी जी महाराज ने उसकी चर्चा की है, श्री राम तापनीय उपनिषद में उसकी चर्चा है, और मनीषियों ने इस पद का
भगवान के नाम का अनुसंधान किया है। इसकी जो मूल क्रिया है, जो हम लोग ये व्याकरण पढ़ते हैं, भाषा पढ़ते हैं, और कहा जाता है कि रम क्रीड़ायाम अर्थ में निष्पन्न होने वाला शब्द है, और उस क्रिया का अभिप्राय आनंद में निहित है। क्रीड़ा अंततः आनंद में ही पर्यवसित होती है, तो इसका जो अभिप्राय है इस शब्द का, इसको गोस्वामी जी महाराज अपने यहाँ भाषा देते हैं और कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तैत्रो सुपासी, वह नाम जो आनंद का समुद्र है और जिसने अपनी छींट से इस सारे जगत को आनंदमय कर दिया है, सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा, समस्त लोगों को विश्रांति देने वाला, उनको उनके दुख शोक उनकी कुंठाओं के बाहर निकालने वाला ये राम नाम है। और इस राम नाम की महिमा करते हुए हनुमान नाटकम में जो कहा गया, कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावना नाम पाथेयम जन्म मोक्षो हो सपदि पर पद प्राप्त ये प्रस्थितस्य। आम सत्यमेव श्री राम नामनः महिम विषये तु यावदपि वदामः तत् अल्पमेव सर्वदा भवति। अन्ते तावत् अहं निवेदयितुम् इच्छामि, वस्तुतः भवदीयः कः सन्देशः भवेत् अस्माकं संस्कृतदर्शकानां कृते, वार्तावलीदर्शकानां कृते? मैं सबको ये बात निवेदन करूँगा, और भगवान श्री राम की अपनी जो छवि है, उनका जो वैभव है, उसके माध्यम से करूँगा। एक तो भगवान श्री राम के परिचय में कहा गया है कि वे वाग्मी हैं, ये भाषा से संबंध रखता है, वे मितभाषी हैं। फिर कहा गया है कि वे मधुरभाषी हैं, और एक रघुवंश का परिचय देते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, सत्याय मितभाषिणम, सत्य की रक्षा करते हैं। संस्कृत भाषा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है और हमें ये बताती है, जो वैयाकरणों के यहाँ प्रसिद्ध है, कि यदि आधी भी मात्रा वो अपने बोलने में कम कर सकें और उससे अर्थ की हानि न हो तो पुत्रोत्सव मनाते हैं। संस्कृत हमें ये बताती है कि हमें अपलाप से बचना है। भगवान श्री राम का पूरा जीवन उसका प्रमाण है। न्यूनतम बोलकर और अधिकतम आचरण के द्वारा अपने मंगल चरित्र को, अपने दिव्य चरित्र को व्यक्त करना, जो भारतीयों का गौरव है, जिसके बारे में कहा गया है, स्वम स्वम चरित्रम से क्षेरन, भाषा से नहीं चरित्र से शिक्षा। जैसे हम भाषा को संस्कृत और निर्दोष करने के बारे में सोचते हैं, हमारा चरित्र भी वैसे ही संस्कार अनिष्ट हो जाए। और एक पंक्ति जो महर्षि वेदव्यास भगवान श्री राम के अवदान के रूप में रेखांकित करते हैं, स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैहि स्वपाद पल्लवम राम, अपने चाहने वालों के अंतःकरण में दंडक वन के कांटों के लहूलुहान चरणों की स्थापना की भगवान। उसका तात्पर्य ये है कि यदि तुम सत्पथ के अनुयायी हो, यदि तुम श्री राम के अनुगामी हो, तो सुख का अनुसंधान मत करो, सत्य का अनुसंधान करो, सत्य में ही सुख निहित है। सत्य हिंदी में बड़ी प्यारी एक कविता है, नाम लेत जिनका दुख भागे, मिला उन्हें भी दुख ही दुख जीवन भर आगे आगे। श्री राम ने अपने जीवन में सुखों का अनुसंधान नहीं किया, सुखों को लांघ गए, उन्हें पार कर गए, सत्य का अनुसंधान किया, धर्म का अनुसंधान किया, और इसलिए वे धर्म विग्रह हैं और उनका नाम लेने से सुख प्राप्त होता है। हम जब श्री राम की प्रतिष्ठा देख रहे हैं, संस्कृत भाषा से हमारा जब परिचय हो रहा है, तो हमें इस बात से भी परिचय होना चाहिए कि संस्कार से बाहर गया हुआ जो जीवन है, वो अपने सारे प्रयत्नों से भी सुख और शांति में स्थापित नहीं हो सकता है। श्री राम को देखने का अर्थ है भाषा और भाव दोनों का सुसंस्कृत हो जाना, और ये हो सके इस बात की मंगल कामना है। अस्तु स्वामिनः, एतस्मै श्रीराममय संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, तदर्थं डीडी न्यूज वाहिनी पक्षतः अथ वार्तावलीगण पक्षतः भवते हार्दिकान् धन्यवादान् अथ प्रणामांश्च निवेदयामि। बहुत साधुवाद आपको, डीडी न्यूज को, और उसमें संस्कृत के इस प्रकल्प के लिए, वार्तावली के लिए, जो सूचनाओं के साथ साथ संस्कार भी लोगों तक ले जाने वाली है, बहुत धन्यवाद। नमस्ते। साधु ज्ञानवर्धकः संप्रेरकः च आसीत् एषः संवाद विशेषः। सत्यम्। अद्यतनाङ्के एतस्मिन् अधुना अवसानं संघोषयामः, कार्यक्रमविषये च भवतां प्रतिक्रियाः निवेदयामः। तदर्थम् अधुना अत्र प्रदर्शितेषु जनसञ्चारपटलेषु लिखन्तु, अस्मान् च आज्ञापयन्तु। आगामिनि अङ्के पुनः मेलिष्यामः, तावत् रामत्वं देवत्वं देशभक्तित्वं सुखत्वं च समाश्रयन्तु। दिव्य हिमालय गंगा यमुनाम सरयू कृष्णा शोभित सरसाम, वंदे दिव्यां भारत वसुधाम, वंदे भव्यां भारत वसुधाम, नमो नमः। पदम पदम नुवर्धय विष्टिगीतिं प्रगाय राष्ट्र जीवनम इदम् इहैव त्वं अर्पय। पदम पदम नुवर्धय विष्टिगीतिं प्रगाय राष्ट्र जीवनम इदम् इहैव त्वं अर्पय।
तुम शार्दूले अग्रे वरदता दिव्यास्तान्न मरणा रिपुदल शिरांसि छेदयन् राष्ट्रशूरतां प्रवर्धता तुम शार्दूले अग्रे वरदता दिव्यास्तान्न मरणा रिपुदल शिरांसि छेदयन् राष्ट्रशूरतां प्रवर्धता पदं पदं नु वरधय वृष्टिगीतिं प्रगाय राष्ट्रजीवनम् इदम् इहैव त्वम् अर्पय सावानं दिलिं चला निधार्य दुःख लांछनं निधाय दुर्गे रक्ते ही उत्तोलय उत्तोलय सावानं दिलिं चला निधार्य दुःख लांछनं निधाय दुर्गे रक्ते ही उत्तोलय उत्तोलय पदं पदं नु वरधय वृष्टिगीतिं प्रगाय राष्ट्रजीवनम् इदम् इहैव त्वम् अर्पय पदं पदं नु वरधय वृष्टिगीतिं प्रगाय राष्ट्रजीवनम् इदम् इहैव त्वम् अर्पय